स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो इसके पास जो चीजें हैं वो कम अटैक करेंगी, थोड़ा टाइम लगाएंगी अटैक करने में। अब उन्हें बोला अगर हम ये ले लें, तो इन्होंने आगे नीचे ऑर्डर दे रखा है, मतलब तुमने सिंपल याद रखना है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में से जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों ज्यादा रिएक्टिव होते हैं? क्योंकि उनमें स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होती है, कम होती है, और कीटोन्स में स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होती है, ज्यादा होती है। नेक्स्ट है बेटा, अब हमने करनी है केमिकल प्रॉपर्टीज। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैंने तुम्हें बता दिया। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का क्या मतलब होता है? कि ऐड होना, किसी चीज का ऐड होना जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले आ गया HCN, ये पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। पॉजिटिव चीज किसके पास चला गया? नेगेटिव के पास। और नेगेटिव किसके पास चला गया? पॉजिटिव के पास। तो यहाँ पे क्या आ गया? CH, सी के पास क्या पहुंच गया? CN भी पहुंच गया, और सी के पास OH भी पहुंच गया। इसको ये हमारे पास बनते हैं हाइड्रिन, ये बनते हैं सियानो हाइड्रिन बनते हैं। ये भी सियानो हाइड्रिन, ये भी सियानो हाइड्रिन। नेक्स्ट है गिगनार्ड रिएजेंट। हमने क्या डाला? गिगनार्ड रिएजेंट डाला, हमारे पास क्या बन गया? अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की कोई भी रिएक्शन होगी, कोई भी रिएक्शन हो उसे हमेशा ऐसे ही करते हैं, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अब हमारे पास ये जो चीज है, ये है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, तो उन्हें करना है कि अटैच कर लेते हैं। ये चीज यहाँ चली गई CH3 के पास, और ये चीज जो है वो यहाँ लग गई। ठीक है, ये हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गया, मतलब सिंपलेस्ट प्रोडक्ट ही आते हैं, इसके कुछ ज्यादा वो नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास अल्कोहल्स। अल्कोहल्स में भी सेम केस है बेटा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब ये वाली जो चीज है वो पहले यहाँ पे, ये टोटली जो है वो यहाँ पे लग जाएगा। ये जो है नेगेटिव है ना, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव के पास चला गया, नेगेटिव पॉजिटिव के पास चला गया, यहाँ पे आ गया ये H जो था वो नीचे आ गया, यहाँ पे लग गया OCH3, ये वाला H यहाँ लग गया OH बन गया। अब क्या करना है? ड्राई HCl के बाद पहले ड्राई HCl डाला, फिर हमने मिथेनॉल डाला, फिर ड्राई HCl डाला, और ये जो चीज थी हमारे पास H निकल गया बाहर, और यहाँ पे क्या लग गया? OCH3। नेक्स्ट है कीटोन्स जो होते हैं वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्ट नहीं करते, पर डाइहाइड्रिक के साथ करते हैं। मोनोहाइड्रिक का मतलब होता है 1 OH ग्रुप, और डाइहाइड्रिक का मतलब होता है 2 OH ग्रुप। तो जो कीटोन्स होते हैं वो मोनोहाइड्रिक के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, पर इसके साथ करते हैं 2 हाइड्रिक ग्रुप के साथ। जब अटैक करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये चीज PTA CH3C। सेम रीजन बेटा, हमारे पास ये कीटल और एसिटल फॉर्म होते हैं, ये होता है एसिटल। जब भी कहते हैं कीटोन्स रिएक्ट करेंगे अल्कोहल के साथ तो कीटल, एल्डिहाइड रिएक्ट करेंगे तो